कोर्ट का मामला है, कोर्ट सजा देती है, बरी करती है, उसमें सरकार कहाँ से इन्वॉल्व है, सरकार इसमें कहाँ से आ गई बीच में। देखिए उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ उलझुल बातें कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में उनके सरकार के तरह जब 2005 से पहले थी, उस समय की सरकार की भी लोग सरकार को देखे हैं, कानून व्यवस्था को देखे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि तेजस्वी यादव लगातार अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं और कोलकाता में जिस प्रकार से महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जो अगर एक दलित परिवार के साथ जो घटना हुई है, इसको लेकर के पूरे देश में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज है। और साथ ही साथ अनंत सिंह जो कि मोकामा से पूर्व विधायक थे, उन्हें जो है रिहा किया गया, उसको लेकर के लगातार विपक्ष कह रहे हैं जब वो हम लोग के साथ थे तो अपराधी थे और जैसे ही वो सत्ता पक्ष के साथ आए हैं वो संत हो गए। यही सवाल जब बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लगातार जो तेजस्वी यादव जो अपराध को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बात सबको पता है कि 2005 से पहले जो अपराध होते थे, जब लोग थाने में एफआईआर करने जाते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था, लेकिन अब जो है जो भी अपराध हो रहे हैं उसको लेकर के लिखित रूप से थाने में शिकायत दर्ज होती है, कार्रवाई भी होती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह को लेकर के जो बात सामने आ रही है, अनंत सिंह को जो रिहा किया गया है ये कोर्ट का फैसला है और उस पर हम लोग कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही साथ इस मसले को और भी क्या कुछ कह रहे हैं लेसी सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए इस तरह की घटना का तो हम सभी लोग निंदा करते हैं, सब समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और जो लोग इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, अब तो सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होंगे, हम तो यही मांग करेंगे एज ए महिला होने के नाते कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह की घटना जो हो रही है, बलात्कार की घटना, इस पर सख्त कानून बने ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का घटना करने का सोचे भी नहीं। मैडम, लगातार तेजस्वी यादव जो है अपराध को लेकर के लिस्ट जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार अपराध हो रहे हैं, 4 से 5 दिनों में 87 मामले दर्ज हो रहे हैं थाने में और सरकार जो है पूरी तरह से निरंतर सोच रही है। देखिए अब लोग जो है हमारी सरकार में, एनडीए की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से जब सरकार चल रही है तो लोग खुल के जो भी बातें होती है, किन्हीं के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस के पास थाने में सीधे लोग सीधे तौर पर जा रहे हैं। और 2005 से पहले थाने में जाने की हिम्मत भी नहीं थी, इतना डर भय था उस शासन में, उस शासन के लोगों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा। आज तो लोग खुल के अपनी बात, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, जाके थाने में दर्ज करा रहे हैं, उसका निवारण भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो रही है कानून समूह। कोई भी बिहार में कानून का राज है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार में, तो कोई भी कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। कानून सम्मत कार्रवाई सब पर होती है, चाहे कोई बड़े लोग हो या कोई भी लोग, जो भी जिस मामला में दोषी होते हैं तो पुलिस के पास मामला दर्ज होता है, बिना पक्षपात का न्याय के साथ काम होता है, कानून का राज है। न हमारी सरकार में किसी को फंसाया जाता है, न किन्हीं को बचाया जाता है। ये लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि न बचाते हैं न फंसाते हैं, पहले अनंत सिंह को पैरोल मिला, फिर बरी मिली, तो सुनील पांडे शामिल हुए। कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट का मामला पर हम लोग कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। अपराधी जिसको कहते हैं उसको अपने पास में बुलाया, सारा दोष मुक्त है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट सजा देती है, बरी करती है, उसमें सरकार कहाँ से इन्वॉल्व है, सरकार इसमें कहाँ से आ गई बीच में। देखिए उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ उलझुल बातें कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं, तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, कोई उनके आरोप में दम नहीं है। इसलिए हमारी सरकार सभी वर्ग के लिए काम कर रही है और यहाँ बिहार में कानून का राज है और सबके लिए कानून बराबर है। हमारी सरकार में उनके सरकार के तरह
जब 2005 से पहले थी, उस समय की सरकार की भी लोग सरकार को देखे हैं, कानून व्यवस्था को देखे हैं, और अभी की कानून व्यवस्था में धरती आसमान का अंतर है। पप्पू यादव जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 35 वर्षों से बिहार को दोनों चाहे महागठबंधन का हो चाहे एनडीए का हो, उनकी सरकार में बिहार एकदम विकट स्थिति में पिछड़ता जा रहा है और अपराध पे लगाम हो चुका है। दोनों दिन भर बोलते रहते, कितना लोग दिन भर जवाब देते, दिन भर जो बैठ के जब बोलते रहेंगे कितना लोग जवाब देने के लिए बैठे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह यह कहते नजर आ रही है कि मुजफ्फरपुर की घटना हो चाहे कोलकाता की घटना हो, इसमें जो भी अपराधी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी सरकार जो है अपराधी पर कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने अनंत सिंह को लेकर कहा है कि अनंत सिंह हो या कोई भी हो, हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है, ये कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट जो निर्णय दिए है वो सर्वोपरि है, उस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। क्या कुछ कर रहे थे लेसी सिंह, आप भी सुने थे, आप प्रतिक्रिया को माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे बिहार।